हेलो गाइस, दिस इज बादल सरकार सर और वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पे इंग्लिश विद बादल सरकार सर। शुरुआत करेंगे हम लोग फिर से द हिंदू वोकैब से। हिंदू वोकैब का सीरीज चल रहा है आपके लिए और मैंने आपको हर वीडियो में ये बात बताया है कि वोकैबुलरी को हम लोग तीन स्टेज में देखेंगे, जिसमें ये अभी बेसिक लेवल है। बेसिक लेवल में मेरा टारगेट क्या है कि एटलीस्ट आपको 100-200 वर्ड्स ऐसे याद करवा दूं और समझा दूं उसके यूजेस को, जिससे क्या होगा कि आपको जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते हैं या क्लोज टेस्ट बनाते हैं एग्जामिनेशंस में, तो वो सारे वर्ड बार बार रिपीट होते हैं। जब आप उस लेवल में आ जाएंगे, बेसिक लेवल आपका क्लियर हो जाएगा, तो फिर हम लोग एडवांस लेवल में चलेंगे। क्लियर है? तो बेसिक लेवल का ये लेक्चर 3 है आप लोगों के लिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। आप जाके प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं चैनल पे, आपके प्लेलिस्ट में द हिंदू एडिटोरियल वोकैब करके प्लेलिस्ट होगा, वहां पे ये सारे वोकैब मिलते हैं। क्लियर है ना? तो आइए, आज का फर्स्ट वोकैब हमारे सामने क्या है। हिंदू एडिटोरियल से ही ये वोकैब लिया जाता है, कहीं और कोई सोर्स नहीं है। क्लियर है? रीजन क्या है, क्योंकि एग्जामिनेशन में आजकल चाहे सिनोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स की बात करें, वन वर्ड हो या क्लोज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब जहां भी वोकैब का यूज है ना, वो सारे के सारे द हिंदू पेपर से और खासकर उसके एडिटोरियल सेक्शन से पूछे जाते हैं। तो वी शुड ट्राई टू फोकस ऑन दोज वर्ड्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड रेलेवेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। क्लियर है ना? फर्स्ट वर्ड हमारे सामने है कॉन्ग्रेगेशन। क्या मैंने कहा? कॉन्ग्रेगेशन। कॉन्ग्रेगेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके पिछले एसएससी और बैंक के एग्जामिनेशन में बार बार पूछा गया, ठीक है। अब देखिए, आपको पता होगा कि दिल्ली में जो जमात वाला जो केस हुआ था निजामुद्दीन का, क्लियर है ना, तो वहां जो जमाती लोग पहुंचे थे, तो ये मुस्लिम धर्म की बात है तो जमाती लोग कह रहे हैं, हिंदू धर्म में जो लोग मंदिर पहुंचते हैं, क्रिश्चियन धर्म में जो लोग चर्च पहुंचते हैं, पंजाबी लोग जो गुरुद्वारा पहुंचते हैं, तो ये जो लोग हैं, जहां भी एक धार्मिक सभा का आयोजन किया जाता है तो वो समूह जो होता है उसके लिए हम यूज करते हैं कॉन्ग्रेगेशन। बात समझ में आ गई? हिंदी मीनिंग तो धार्मिक सभा आप समझ गए, लेकिन ये क्या होता है? सिर्फ धार्मिक सभा कह देना सही है क्या? इसकी डेफिनेशन को जानते हैं। डेफिनेशन जरा ध्यान से देखिए। अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर गैदर्ड टुगेदर इन अ चर्च, आप चर्च के जगह पे टेम्पल, मॉस्क कुछ भी यूज कर सकते हैं, टू वर्शिप गॉड, भगवान को वर्शिप करने के लिए, भगवान की पूजा करने के लिए, उस पे चर्चा अर्चना जो भी आप कह सकते हैं, जब लोग इकट्ठा होते हैं, एक साथ होते हैं, तो वैसे समूह के लिए हम कॉन्ग्रेगेशन का यूज करते हैं। क्लियर है ना? वर्ड तो जान गए, आओ इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। लिखा है द कॉन्ग्रेगेशन स्टूड टू सिंग द हेम। बात समझ में आ रहा है? क्या इसका मतलब हुआ? ये जो सभा है, जो लोग हैं एक साथ एकत्रित है, स्टैंड का स्टूड पास्ट फॉर्म है, निक, ये सारे के सारे धार्मिक सभा के लोग क्या हुए? खड़े हुए। क्या करने के लिए? टू सिंग द हेम। इस हेम का मतलब क्या होता है? धार्मिक गान। जो भी हम धार्मिक गान गाते हैं, जिस भी धर्म में, जैसे हमारे हिंदू धर्म में आरती गाया जाता है, भजन गाया जाता है, मुस्लिम भाई मुस्लिम धर्म में हमारे क्या गाते हैं, तो उनके जगह पे वहां पे मुझे तो विशेष जानकारी नहीं है, लेकिन जैसे अजान पढ़ा जाता है, तो इस तरीके से अजान कलमा जो भी कुछ होता है वो सारा का सारा हेम होता है, जो किसके द्वारा किया गया? कॉन्ग्रेगेशन के द्वारा। बात समझ में आ गया? तो सभी धार्मिक सभा के लोग खड़े हुए क्या करने के लिए? गाने के लिए हेम को, यानी कि धार्मिक गान को या फिर संगीत को। क्लियर हो गया ना ये वर्ड? आते हैं सेकेंड वर्ड हमारे सामने है क्लेमेटस। क्या है क्लेमेटस? एक याद रखना, क्लेमिटी होता है जिसको हम लोग, कुछ लोग कैलामिटी कहते हैं, तो वो क्लेमिटी नाउन होता है और ओयूएस लगने का मतलब ये एडजेक्टिव है, आईटीवाई नाउन हो जाता है। मैं उसको भी डिस्कस करूंगा आगे नेक्स्ट वीडियो में। तो यहां जो क्लेमेटस का मतलब क्या है, हिंदी मीनिंग विध्वंसकारी, ये तो समझ में आ गया, लेकिन क्या विध्वंसकारी? देखो डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है, कॉजिंग ग्रेट डैमेज टू पीपल्स लाइव्स प्रॉपर्टी एडीसी। मतलब कि जब लोगों के जीवन का या उनके संपत्ति का, जिसको हम आम भाषा में कह सकते हैं जान और माल की जो बहुत बड़ी हानि होती है, उसके लिए जो वर्ड यूज होता है वो क्लेमेटस यूज होता है। कौन होता है? क्लेमेटस यूज होता है। क्लियर है ना? क्लेमिटी से बना है। क्लेमिटी का मतलब आप जानते हैं क्या होता है? डिजास्टर। इसका एक सिनोनिम्स डिजास्टर्स भी हो सकता है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, वो होगा विध्वंस, ये हुआ विध्वंसकारी। आओ एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे अभी पहले एग्जाम्पल से पहले ये समझो कि हमारे पूरे वर्ल्ड में इंक्लूडिंग आर कंट्री इंडिया, सारे तरफ क्या है? परेशानी है।
लोगों का जो है जीवन आफत पे आ गया है, बहुत सारे लोग बीमारी से मर भी रहे हैं, साथ में उनकी जो प्रॉपर्टी है, जो जान माल है, संपत्ति है, दुकान है, शॉप है, बहुत सारी चीजें बर्बाद भी हो रही है। तो ये सारे के सारे मिलके जो एक क्वालिटी को दिखाएं कि इस तरीके का काम है, तो उसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, क्लाइमेटस का यूज कर रहे हैं। और बहुत ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड है, मैं इसको भी स्टार कर दे रहा हूं, ये भी एग्जामिनेशन का बड़ा फेवरेट सा वर्ड है जो पूछा जाता है। जैसे मैंने कहा द एनवायरमेंट इन मेनी कंट्रीज इज क्लाइमेटस, बहुत सारे देशों में और उनके एनवायरमेंट की बात की जाए, एनवायरमेंट मतलब कि वहां के एनवायरमेंट क्या है, क्लाइमेटस है, मतलब विध्वंसकारी है। विध्वंसकारी कहने का मतलब कि वहां बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है, वहां की एनवायरमेंट, वहां का वातावरण ऐसा हो गया है जो रहने लायक नहीं है, बहुत जहरीला है, तो वैसे कंडीशन में हम क्लाइमेटस का यूज करते हैं। क्लियर हो गया ना। नाउ मूव ऑन द थर्ड सेंटेंस और थर्ड वर्ड क्या है, फेस ऑफ। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आज के एडिटोरियल सेक्शन में पूछा भी दिया भी गया है। फेस ऑफ एक फ्रेजल वर्ब होता है, ठीक है ना। फेस ऑफ का मतलब क्या है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। हिंदी में नहीं हुआ तो सामना करना, जैसे मान लीजिए फेस का मतलब आमने सामने और ऑफ का मतलब एक दूसरे से सामना करना, रिलेट कर रहे हैं। ऐसे तो ऑफ का मतलब होता है दूर होना, तो सामना करेंगे, लड़ेंगे, झगड़ेंगे तो दूर हो जाएंगे, बात समझ में आ रहा है। तो फेस ऑफ का मतलब सामना करना। आते हैं इसके डेफिनेशन को देखते हैं, टू गेट रेडी टू आर्ग्यू फाइट और कम्पीट विद समबडी, तैयार रहना किसी से कोई आर्गुमेंट करने के लिए, फाइट करने के लिए या फिर किसी से कम्पीट करने के लिए, बात समझ में आ रहा है ना। आपने बोला हाँ मैं पूरी तरह से तैयार हूं उससे लड़ने के लिए, मैं पूरी तरह से रेडी हूं उसके साथ क्विज करने के लिए, बात समझ में आ रहा है ना। तो ये बात यहां पे हो गया। एक एग्जांपल देखते क्या लिखा गया, द कैंडिडेट्स आर प्रिपेयरिंग टू फेस ऑफ ऑन टीवी टुनाइट। मान लीजिए कुछ कैंडिडेट्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, क्या करने के लिए, एक दूसरे का आमना सामना करने के लिए। कोई कॉन्टेस्ट होगा, चाहे वो फाइट कॉन्टेस्ट हो या फिर क्विज कॉन्टेस्ट हो, कुछ भी होगा जिसमें दो लोग एक दूसरे के आमने सामने आएंगे और सामना करेंगे। कहां, ऑन टीवी, टीवी पे, कब, आज रात। तो ये वोकैब आपको समझ में आया होगा कि हमने इस तीन वोकैब को बहुत अच्छे से समझ लिया, हिंदी मीनिंग भी जाना, डेफिनेशन भी जाना और साथ में इसके एग्जाम्पल को भी जाना। क्लियर है। अब हम लोग मूव कर नेक्स्ट वर्ड पे। हमारा नेक्स्ट वर्ड है प्रेजुडिस। क्या मैंने बोला, प्रेजुडिस का यूज हम कब करते हैं, प्रेजुडाइज नहीं, प्रेजुडिस। प्रोनंसिएशन का खासा ख्याल रखें। प्रेजुडिस एक अपने आप में नाउन है और अभी जो भी मैंने इस सेशन में वोकैब लिया, मतलब हर सेशन में जो भी वोकैब आता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन को लिए लेके और साथ में हमारी लैंग्वेज और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए। क्लियर है ना। तो आप जैसे ही देखिए प्रेजुडिस का मतलब क्या है, नाउन है, क्लियर है। हिंदी तो पक्षपात कह देते हैं लोग, और हिंदी जानना बेटर नहीं है, वो सफिशियंट नहीं है। आपको उसका पार्टिकुलर यूज समझना होगा कि व्हाट आर द यूजेस या व्हाट इज द यूज ऑफ दैट पार्टिकुलर वर्ड इन योर डेली लाइफ, या फिर अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में क्या इसका मीनिंग होता है। डेफिनेशन क्या लिखा है, एन अनरीजनेबल, जरा ध्यान दीजिएगा इस बात पे, अनरीजनेबल डिसलाइक, मतलब कैसा डिसलाइक करना है, नापसंद, बिना किसी कारण का, कोई रीजन नहीं और मैं उससे नफरत कर रहा हूं, ये हुआ पक्षपात। ऑफ, डिसलाइक ऑफ और प्रीफरेंस फॉर अ पर्सन, ग्रुप, कस्टम, इटीसी, या फिर किसी ग्रुप को आप या पर्सन को या किसी धर्म, जाति, संप्रदाय को जब आप क्या करते हैं, या तो लाइक करते हैं, डिसलाइक करते हैं, प्रीफरेंस देते हैं बिना किसी रीजन के, तो वही होता है पक्षपात। क्लियर है। और ये खासकर जो होता है बेस्ड ऑन रिलीजन, सेक्स, रेस, इसका मतलब क्या हुआ, ये धर्म पे आधारित होता है खासकर, या फिर सेक्स यानी कि आपका जो पुरुष है, महिला है, उस पे लिंग पे आधारित होता है, या फिर जाति हमारा रेस है, या फिर हम कैसे दिखते हैं, किस धर्म से हैं, इस पे जिस तरीके का जो हम लोग लाइक डिसलाइक करते हैं अनरीजनेबल तरीके से, उसके लिए हम लोग जो यूज करते हैं वो प्रेजुडिस होता है। क्लियर है ना। एग्जाम्पल देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा गया देयर डिसीजन। मैंने कहा देयर डिसीजन आई ओ एन होता है, तो याद रखेंगे जनरली नाउन होता है और सिंगुलर होता है, जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट में होता है टी आई ओ एन, टी एच आई टी वाई, डी ओ एम, एच डबल ओ डी, ई एन सी ई, ए एन सी ई, ये सारे ऐसे सफिक्सेस हैं जो किसी भी वर्ड या रूट के लास्ट में लग के नाउन फॉर्म करते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन दैट मीन सिंगुलर नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। तो देखो इसके साथ तो वॉज आया, खैर ये तो समझने की बात है। देयर डिसीजन वॉज बेस्ड ऑन, उनका जो निर्णय था वो किस चीज पे आधारित था। यहां पे आप देख रहे हैं एक वर्ड लिखा हुआ है इग्नोरेंस और प्रेजुडिस।
क्लियर है ना? अभी मैंने बोला एएनसी, आपको दिख रहा होगा एएनसी, दैट मींस ये भी नाउन है और एंड से दो सिमिलर चीजों को ऐड किया जाता है, तो प्रेजुडिस भी नाउन है। आप यहां पे देख सकते हैं कि सर ने इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्या बताया, नाउन। तो उनका जो निर्णय था वो बेस था इग्नोरेंस पे, अज्ञानता पे और किस पे, पक्षपात पे। बात समझ में आ गई? और हम लोग नेक्स्ट वर्ड देखते हैं एक्सियोमैटिक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बार बार ये न्यूज़पेपर और आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं सिनोनिम्स में। क्लियर है ना? देखो एक्सियोमेटिव के पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो ये एडजेक्टिव है, मीनिंग की बात करें तो स्वयं सिद्ध। स्वयं सिद्ध क्या हुआ, समझ में आ रहा है क्या? देखो इसका डेफिनेशन देखते हैं। ट्रू इन सच एन ऑब्वियस वे दैट यू डोंट नीड टू प्रूव इट। क्या मतलब हुआ सर? ट्रू इन सच एन ऑब्वियस वे का मतलब सच एक स्पष्ट रूप में, दैट यू डोंट नीड टू प्रूव इट, ऐसा सर जिसे आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। जैसे आप किसी को कहते हैं कि एक टाइम आएगा और मैं तो मरूंगा ही, अभी से प्रूफ क्या करना, ये जो है शाश्वत सत्य है, स्वयं सिद्ध है। बात समझ में आ गया? तो वैसी चीजों के लिए हम लोग एक्सियोमेटिक का यूज करेंगे। क्लियर है ना? जैसे देखिए यहां पे लिखा है कि एग्जांपल में देखते हैं, इट इज एक्सियोमेटिक दैट लाइफ इज नॉट ऑलवेज इजी। ये एक्सियोमेटिक है, ये स्वयं सिद्ध है कि लाइफ हमेशा इजी नहीं होता है। That means, आपका जीवन हमेशा आसान नहीं होता है, कभी उतार कभी चढ़ाव आएंगे ही, आपको इसको क्या करना है, बैलेंस करके चलना है। क्लियर है? जैसे अभी जो सिचुएशन है कि सब लोग परेशान हैं, तो इसमें बैलेंस करना होगा, टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा, आप शांत रह के सोचिए कि आगे क्या करना है। नाउ मूव ऑन द लास्ट वर्ड ऑफ दिस सेशन, फैन द फ्लेम्स। ये एक idioms है और बहुत ज्यादा यूज होता है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है? जैसे मैंने कहा फैन द फ्लेम्स का मतलब क्या होता है, इसे समझिएगा। डेफिनेशन पहले देखो ना क्या है, टू मेक अ फीलिंग सच एज एंगर, हेट्रेड, ईटीसी वर्स। किसी भी फीलिंग को, खासकर नेगेटिव सेंस में, चाहे आपके गुस्सा को या हेट्रेड को बहुत ज्यादा बढ़ा देना, मतलब आपको कोई इतना परेशान कर दे रहा है कि आप गुस्सा में इतना ज्यादा टेंशन में आ जा रहे हैं, परेशान हो जा रहे हैं, उसके लिए हमने क्या यूज किया, फैन द फ्लेम्स, एक idioms का यूज किया। मतलब गुस्सा आदि को बहुत तीव्र कर देना, मतलब बद से बदतर कर देना। बात समझ में आ रहा है ना? इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं, फैन का मतलब पंखा, फ्लेम का मतलब तो आप जानते हैं जो आग का फ्लेम है। पहले के जमाने में या अभी भी गांव में जो चूल्हे पे खाना बनता है जिसमें आग जलता है लकड़ी लगा के, कोयला या गोयठा लगा के, तो उसमें फैन ऐसे ऐसे क्या किया जाता है, हांका जाता है। तो ये फैन हांकने से फ्लेम क्या होता है, बढ़ता है। तो वही बात है, किसी को फैन कर दिए फ्लेम्स, मतलब उससे गुस्से को, एंग्री को, हेट्रेड को बढ़ा दिए बहुत बुरे स्थिति तक। एग्जांपल को देखो क्या लिखा गया है, हर राइटिंग्स फैंड द फ्लेम्स ऑफ रेसिज्म। अब जब ये बात समझ में आ रही है कि क्या लिखा गया, हर राइटिंग्स का मतलब क्या है, उसकी लेखनी, जो भी उसने लिखा होगा उसकी बात करते हैं। उसने क्या किया, फैंड द फ्लेम्स ऑफ रेसिज्म। रेसिज्म का मतलब क्या होता है, जातिवाद, जातीयता, यानी कि जातीयता को उसने क्या कर दिया, एक ऐसी हवा दे दी उसके लेखनी ने कि वो जिस सिचुएशन में था उससे और बुरे सिचुएशन में चला गया। जैसे किसी ने कुछ ऐसा लिख दिया जिससे जातीय भेद उत्पन्न हो गए, जाति मतभेद उत्पन्न हो गए, वही बात यहां पे कहा गया। तो ये सेशन में हमने 6 ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स देखे जो रेगुलर यूज होते हैं, आपके एग्जामिनेशन में भी पूछे जाते हैं और साथ में आपके डेली यूज किए जाते हैं, और हिंदी एडिटोरियल का ये वोकैब है। अभी सुबह में मैंने रात में मतलब एक वीडियो अपलोड किया है एबिलिटी के बारे में, एबिलिटी जाके देखिएगा उसका क्या यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी एग्जामिनेशन के लिए पूछा भी जाता है और आपके डेली लाइफ में यूज भी किया जाता है। क्लियर है? तो कैसा लगा आज का सेशन कमेंट करके जरूर बताएंगे, और वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। क्लियर है? मैं इसी तरीके से आपके लिए वोकैब भी लेते आऊंगा, और बहुत जल्दी मैं स्पोकन के भी क्लासेस और सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं।